प्रेम से बोलिए श्री श्री आनंदमयी मात की। माँ उपदेश दे रही हैं, सब कुछ लेकर रहो पर उनके नाम की आग जरा जलाए रखो, बड़े यत्न से जलाए रखो। अगर उनकी इच्छा हुई तो उसी आग में तुम्हारे सारे मैल को जलाकर तुम्हें शुद्ध बनाकर वे अपने पास बुला लेंगी। उन्हें साथ रखो, इसके बाद गृहस्थी देखो। यही पति ही उसी परमपति का रूप है, यही स्त्री ही देवी स्त्री रूप में तुम्हारे पास है। संतानें बाल गोपाल और कुमारी मूर्ति के रूप में तुम्हारे निकट हैं। सेवा करते जाओ, इसी बुद्धि से गृहस्थी चलाओ। कोई डर की बात नहीं, किसी के प्रति द्वेष मत रखना। सर्वदा सत्य बोलने का प्रयत्न करना, बातों के जरिए किसी को परेशान मत करना। उनके नाम और भाव में रहने का प्रयत्न करना। मैं यह नहीं कहना चाहती कि सब छोड़कर चले जाओ। गुरु वाक्य में विश्वास करना एकमात्र कर्तव्य है। संसार के साथ हो, उसमें शांति कहाँ है? हर क्षण उसमें ज्वाला ही रहती है। 24 घंटे में कुछ देर के लिए अकेली किसी कमरे में बैठो, पूर्णमय की खोज में प्राण मन उन्मुख कर कुछ समय उन्हें देना ही पड़ेगा। कुछ देर के लिए मन को शून्य बनाकर सिर्फ गुरु के उपदेशों को ध्यान में लाओ। जहां शून्य है वहीं पूर्ण, एकमात्र वे ही सब हैं, एक के सिवाय दो नहीं है। आत्मचिंता के अनुकूल चिंता करना कर्तव्य एकमात्र वही। प्रश्न, मां सुकर्मों के जरिए कुकर्मों का दोष नष्ट होता है कि नहीं? मां, कुछ ऐसे कर्म हैं जिनके द्वारा पूर्व कर्मों के फल नष्ट हो जाते हैं। जैसे कोई मूर्ख है, पढ़ना लिखना नहीं जानता, लिखना पढ़ना रूपी शिक्षा से उनकी मूर्खता दूर हुई। भगवान के ऊपर निर्भर रहो, वे ही एकमात्र आश्रयदाता हैं। उन्हीं की चिंता करना शांति की आशा है। उन्हीं के बंदोबस्त में ही सब है और रहेगा, चिंता क्यों, वे हैं। प्रश्न, मां दुख किससे दूर होता है? अभाव तो दूर होता ही नहीं। मां, परदेश में हो इसलिए कष्ट है, स्वदेश में रहने पर कष्ट नहीं होता। स्वदेश की तलाश करो, अपने को खोजो। प्रश्न, मां स्वदेश पाने का क्या उपाय है? स्वदेश कहाँ है? मां, कामना वासना ही विदेश बन गया है, वरना विदेश की कोई बात ही नहीं है। स्वदेश में स्वभाव में जाने पर अभाव दूर हो जाएगा। प्रश्न, मां जब मैं जप करने बैठता हूं तब ऐसा लगता है जैसे कोई मेरे मन को बाहर खींच ले जाता है, आखिर इसकी क्या वजह है? मां, यह नहीं जानते क्या? वासना के बीज खींच लाते हैं, फिर भी उनकी ओर लगे रहना चाहिए। जैसे समुद्र के किनारे जब स्नान करते हो तब वह अपने किनारे की ओर ढकेलता है, और जब काफी भीतर जाकर नहाते हो तब वह अपने भीतर खींचता है, यह भी वैसा ही है। मां पुनः उपदेश दे रही हैं, शिव रहने पर पत्थर नहीं और पत्थर के रहने पर शिव नहीं। दूसरी ओर देखो, शिव जैसे उनका नाम है, पत्थर भी उनका ही नाम है, इसमें कोई भेद नहीं है। जैसे शिव उनका एक रूप है, पत्थर भी उनका ही एक रूप है। कम से कम कुछ देर तक अपने मन को एक बार स्थिर रूप से खाली रखने का प्रयत्न करो। मन को पूर्ण रूप से खाली करने का प्रयत्न करना चाहिए। शरीर को भी इस तरह स्थिर बनाना चाहिए ताकि यह अनुभव हो कि शरीर है भी या नहीं। प्रश्न, मां साधना जगत में इतने दिन कार्य करने के बावजूद
कोई प्रत्यक्ष फल क्यों नहीं मिलता? माँ, पूर्व के संस्कार बराबर बाधा देते रहते हैं। गुरु अगर हाथ पकड़ लें तो गलत मार्ग पर नहीं जाया जाता। प्रश्न, माँ, एक भक्त का भगवान के प्रति विश्वास नहीं रहा, क्योंकि उनका कहना है कि उनकी माँ नित्य 7-8 घंटा पूजा करती थी, फिर भी उनकी काफी कष्ट भोगने के बाद मृत्यु हुई। ऐसा क्यों? माँ, तुम लोग यह नहीं समझ पाते कि वे किस लिए क्या करते हैं। तुम लोग यह जानते ही नहीं कि कितने जन्मों के कितने संस्कार रहते हैं। वह सब यदि एक ही जन्म में अधिक कष्ट पाकर साफ हो जाएं, तो क्या इसे उनकी कृपा नहीं कहोगे? कुछ देर के लिए एक लड़के को लो, जिसकी माँ उसकी खूब अच्छी तरह सफाई करके गोद में लेना चाहती है। उस वक्त क्या वह एक दिन उसके पैर, दूसरे दिन हाथ पैर, तीसरे दिन सिर धुलाएगी? इस तरह सफाई करने के बाद कहीं गोद में लेगी? माँ एक दिन जबरदस्ती उसकी सफाई कर देती है। उस वक्त लड़का रोता है, चिल्लाता भी है, फिर भी वह उसे नहीं छोड़ती। अच्छी तरह से नहलाने धुलाने पर थोड़ा कष्ट देना ही पड़ता है, रुलाकर सफाई की जाती है। प्रश्न, माँ, सचमुच क्या भगवान दिखाई देते हैं? माँ, जिस तरह मैं तुम्हें देख रही हूं और तुम मुझे देख रहे हो, ठीक इसी तरह स्पष्ट रूप से उन्हें देखा जा सकता है। इसमें जरा भी फर्क नहीं है, और विशेष भाव से उन्हें नजदीक से पाया जा सकता है, जैसे यह हाथ, खून, मांस और हड्डी के साथ मिल गया है। उन्हें पाने के लिए, अनुभव करने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है। मानव मात्र को उनके ऊपर निर्भर रहना चाहिए, उनकी चिंता, उनका ध्यान और उनका ही जप करना चाहिए। चाहे जो भी काम करो, पर यह बोध करते रहो कि उनका ही काम कर रहे हो। हम सब तो एक हैं। प्रेम से बोलिए श्री श्री आनंदमयी मात की।